Tu m'arrêtes? Oh, oh, पीछे लिया सुन भाई बाद भाई ये देखो बिल्डिंग से कुछ छलावा टाइप सुनने में आया कि एक चीज़ है वो उधर लोगों ने नमाज के टाइम ना तारों पे लटकी देखी है। इसका मुंह इतना बड़ा इसका मुंह था तब गुरुद्वारा कहीं है किस जगह पे है कैमरा पकड़ो अंदर से व्यू लेते हैं मैं इमरान हूँ बागड़िया सईदा का रहशी हूँ यहाँ जो है ये फैक्ट्री मेरी है मैं इसको चलाता रहा हूँ और अब हमने कुछ अरसे के लिए जो है ना इसे बंद कर दिया है जो इसमें जो है ना अब हमने अंदर देखा है तो इसमें कोई ना चीज़ें वगैरह की आवाज़ें आई हैं और जब यहाँ से लोग गुजरते हुए भी उन्होंने भी सुनी है और हमको जो है ना उन्होंने शिकायत की है जिसकी वजह से इनका जो है ना टीवी पे न्यूज़ आता था तो हम देखते थे तो हमने इनको बुलाया इधर कि देखें इधर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं असद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो क्या होगा। मेरे साथ हैं शबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और कैमरे के ऊपर हैं एहसन भाई और शफकत भाई। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि हमने आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कुछ ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस दिखाई और उसके बाद हमारे अपने ही शहर लाहौर में बागड़ियों के पास एक ऐसी हवेली हमारे पीछे मौजूद है जिसके बारे में हमें बताया गया कि यहाँ पर रात के वक्त अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती हैं साए देखे जाते हैं वो किन चीज़ों के हैं किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर जो मक्खन भाई थे गुज्जर भाई जिन्होंने हमें इस जगह पर बुलाया जिनकी ये जगह है उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाई उन्होंने हमें ये बताया कि रात के वक्त जब हम इस जगह पर आते हैं तो हमें अंदर से लोहे की आवाज़ आती है हालांकि अंदर ये फैक्ट्री जो है ये काफ़ी अरसे से बंद कर दी गई है तो इन्होंने जब दोबारा इसको रीबिल्ड करने की कोशिश की है तो इनके साथ अजीबोगरीब वाकयात रूनमा होना शुरू हो गए हैं। जो है इलाका मकीन है और रास्ते से जो इस रास्ता इख्तियार करते हैं जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने ये शिकायत की है कि हमें इस जगह पर साए देखे जाते हैं हमें साए नज़र आते हैं और हमारा पीछा करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो ये कहा है कि हमारा एक्सीडेंट तक भी हो गया इस जगह की वजह से कि डर इतना उनके ऊपर तारी हो जाता है जिस वजह से बाइक का जो है बैलेंस वो ख़राब हो जाता है
और वो इस वजह से उनका एक्सीडेंट भी हुआ। तो मजीद जो हमें बताते हैं वो शबाज़ भाई बताते हैं कि इन्होंने क्या लोगों से जाना पूछा। जी हाँ नाज़रीन, ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है, लोकेशन काफ़ी ख़तरनाक है ये। और जिस भाई ने हमें इसके बारे में बताया वो ख़ुद डरे हुए थे, उन्होंने सारा कुछ जो भी चट्ठा बयान था हमें बता दिया कि अंदर लोहे की आवाज़ें आती हैं और आवाम का यहाँ से गुजरना बंद है। और इस जगह पे इन्वेस्टिगेशन वो क्या होगा कि टीम करने आई है, तो आप हमारे लिए दुआ करें कि हम खैरियत से अंदर जाएं और खैरियत से बाहर आएं, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ हो सकता है नाज़रीन अंदर जाते वक्त या बाहर निकलते वक्त। तो ये आप सबकी दुआएँ हैं और अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही असद भाई हमें पता चलेगा। और असद भाई आप दिखाएं, इस तरफ भी कुछ नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल आबादी का नामो निशान तक नहीं है। तो शबाज भाई फिर अंदर चलते हैं। चलते हैं। दरवाजे को हम बंद कर देते हैं। ध्यान से यार। तो ये हमारे सामने ये फैक्ट्री है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें मशहूर हैं कि इस खिड़की से कोई चीज़ नज़र आती है राहगीरों को, और सड़क पर भी लोगों ने इसी खिड़की के हवाले से ये चीज़ें कही हैं कि यहाँ पर कोई औरत खड़ी होती है। अभी हमारे कैमरे ऑफ थे तो हम अपने कैमरे की सेटिंग्स कर रहे थे, तो ना कुछ पुलिस एहलकार आए तो उन्होंने हमें पूछा कि आपने किससे इजाज़त ली है इस जगह पर वीडियो बनाने के लिए, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तो हमारे साथ जगह के ओनर थे, उनको हमने कॉल की, वो आए, उन्होंने कहा ये मेरी जगह, मेरी इजाज़त से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने भी ये बात कही कि जगह ठीक नहीं है, बच्चों यहाँ से आप चले जाओ, आपकी उम्रें इतनी नहीं है कि आप इन कामों में पढ़ें। उन्होंने हमें ये बातें कही लेकिन हमने उनको समझाया कि हमारा काम ये है, बेफिक्र हमने उनको समझाया कि हमारा काम ये है, बेफिक्र। एक आवाज़ आई है अजीब सी, आ गया हो ऐसा भाई, आ रही है, ये देखो ना आवाज। अभी यार आवाज सुनाई दे रही है, अब पता नहीं है। शफकत आवाज आ रही है ना, हम आपको लेके चलते हैं इस तरफ आगे कि यहाँ पर आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EMF ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं कि रीडिंग आती है या नहीं। रीडिंग तो नहीं है यहाँ पे अभी, और तकरीबन सारा एरिया कच्चा है। ऊपर छत की तरफ दिखाएं, छत बिल्कुल काली हो चुकी है और कह सकते हैं कि काफ़ी पुरानी है ये जगह। जी कोई मौजूद है यहाँ पर? अगर कोई मौजूद है तो सामने आ सकते हैं या हमारे EMF पे आ जाए सामने। ओ क्या है ऊपर शफकत? ओ, 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 ये EMF ये देखो जंप दे रहा है यार, ये देखें, ओ, ओ, ये हिला, इसको रिकॉर्ड करें, शफकत ये भी रिकॉर्ड करें, ये देखें। ओ क्या था, ये क्या था, क्या हुआ है? ऊपर से कोई चीज़ उड़ के गई है, कुछ चीज़ थी उड़ी के गई है यार। ये छत तो बंद है,
मैंने समझा हॉल हुआ है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज उड़ के गई है ऊपर। एक कैमरा ऊपर रखे। कुछ चीज थी ये ना यहाँ पर। मैंने अभी भी केटोमीटर कहाँ पे चल रहा है ये देखे ना, ये एकदम से चल रहा है और एक अभी तक चल रहा है। ये भी चल पड़ा यार। ये देखे असल में अब हम तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लोकेशन है यहाँ पे। और कहते हैं कि ये जो है फैक्ट्री बंद हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया सिवा उनको कोई काम शाम हो तब उस सूरत में वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हम आए, ये नीचे फ्लोर तक मिट्टी का है, जो यहाँ पर ईंटें लगी हुई थी, जो फ्लोर था ये सारा ईंटों का था, वो ईंटें भी निकाल कर बाहर फेंकी गई हैं कि इसको रीबिल्ड करने की कोशिश की गई है, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि यहाँ पर कोई भी आता है तो वो या तो उसका सर वजनी हो जाता है या वो बीमार हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिकायत ये मसूल हुई है हमें कि ऊपर खिड़की से कोई औरत नज़र आती है, कुछ साया ब्लैक शेडो नज़र आता है राहगीरों को। पुलिस वालों ने भी हमें यही अभी बताया है कि आप यहाँ से चले जाएं, जगह ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से चले जाओ। शबाज़ ये क्या था? भैया आवाज़ आई यार। अब चलो उस तरफ चलो यार। ये रहा। यहाँ पे कुछ था। जगह भी नहीं है। वो देख। कौन है यहाँ पे? क्या हुआ? यार इधर से कोई चीज गुजरी है यार। क्या हुआ? इधर से कोई चीज गुजरी है। क्या? कहाँ से? बिल्कुल इधर मेरे पास से यार। कौन है यहाँ पे? आवाज आपने देखी है कि बड़ी अजीब सी आवाज आई है यहाँ से, आपके पास से आई है। मुझे लगा कि पीछे से आवाज आई है आपके, तो एकदम से मैं डर गया हूँ। इस तरफ जाने चलो। ये देखे ना, अगर कोई यहाँ पर, हम वहाँ पे थे और मिट्टी उड़ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ मूव हुई है, जो ये डस्ट के पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओए ओए ओ अल्लाह अकबर। यार इतनी ऊंची कौन जा सकता है? ओ माय गॉड, ये रिकॉर्ड करे। ओए कौन है वहाँ पे? ओए तू, ओ माय गॉड, ओए अभी हम यहीं पे खड़े थे यार। ये अभी इधर से भी चीज गुजरी थी। ध्यान से। अब आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है, इतनी हाइट पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये अपने आप नीचे आया। आवाज़ ये आवाज़ कहाँ से आई है? ओ, ओ, ओ ये दिखाएं ये किसी जानवर के हैं, है ना?
सेल है मेरे ख्याल से, मतलब यहाँ पर जानवरों का भी खतरा है। आ गया है ये जगह, ये देखिए इस तरफ से तो कोई नहीं आ सकता, जानवर वगैरह आ गया। ये क्या था यार? ये कहां से बात आई है? लोहे की चीज गिरी है पर लोहा लेकिन यहाँ यहाँ पे पे कुछ मौजूद है, नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ यहाँ पे है कुछ नहीं। यार ये देखो ये बंद किया हुआ है। ये कहां से आई है? बच गया यार। मैं भी वही कह रहा हूँ, कोई चीज है लेकिन नजर नहीं आ रही चीज है। अब यहां से पत्थर आया, ईंट पूरी आई है। यार यहाँ से दिखाओ वो सामने। यार बिल्कुल ही बंजर हो चुकी है जगह। फैक्ट्री थी ना, तो फैक्ट्री तो रही नहीं, सामान सारा उखेड़ के ले गए। रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये हिला हिला यार। वो देख वो देख वो देख, हिल रहा है यार। माय गॉड, अल्लाह अकबर। अभी तक हिल रहा है यार। चल रहा है और अपने आप ही बंद हो रहा है, चल रहा है बंद हो रहा है। यार यहाँ से दिखाओ ऐसन भाई, वो सामने कितना खौफ है यार। हाँ सामने इंतहा का खौफ है। ईंट इतनी पड़ी हुई यार यहाँ पे। आ गया हो? वाह ला यार, लगा तो है कि आवाज ही कोई और थी, दरख्त की आवाज आई है मुझे तो। देखिए यार नीचे के ध्यान से जानवर भी हो सकते हैं। दरख्त हिला फिर से, सुभाष दरख्त हिला। हाँ कहाँ से हिला? इस तरफ से दरख्त हिला, मुझे महसूस भी और आवाज भी आई है। कौन है यहाँ पे?
यहाँ पर अभी कोई चीज थी। आवाज आई उधर से यार। चलो आशवास। दरवाजा लॉक हुआ। रिकॉर्ड हुआ। लॉक हुआ दरवाजा। वे खिड़की में देखो उधर सामने। ये क्या था? एकदम से गायब यार। कोई चीज खड़ी थी वहां। खिड़की में भी अंदर गई। कहाँ पे असर भाई? यार वो ऊपर भी कोई खड़ा हुआ था। आगे आओ। आवाज सुन यार। यार वो ऊपर जो दरवाजा लगा है ना, उसके उधर था यार कुछ। असर भाई आगे आओ। आगे ध्यान से आइए। ओ ए ईटों के नीचे, ईटों के नीचे यार। वो देखो जा रहा है। इतना बड़ा यार। अल्लाह अकबर। वो चला गया यार। यार इतना बड़ा सांप यार। ध्यान से लॉन्ग शूज नहीं है। वो ऊपर कोई है। क्या था? कौन है ऊपर? हाँ कौन है? उधर से आवाज आ रही है। क्या हो रहा है ये? ओए अल्लाह अकबर यार। इधर देखो यार, दीवार में से पानी। ये क्या यार? ये नीचे जाले दिखाएं ईंटों के ऊपर। ये कितनी पुरानी है, दीवार में से पानी आ रहा है। चलो ये तो कोई इतना खास आप नहीं कह सकते, साइन है। हो सकता है दूसरी तरफ कोई चीज ऐसी हो जिस वजह से पानी आ रहा है इतने से एरिया में ना। अभी ये आवाज किसकी आई है आप पहले वो देखो। आगे हैं आप देखें नीचे। ये ईंटें इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं कि इनके ऊपर इतने जाले हैं। कुछ नजर नहीं आ रहा यार। जालों को देखें आप और वो सामने जाले देखें, इतने पुराने हैं कि वो भी कह सकते हैं तकरीबन अरसों से यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। क्या? ओ हाँ आ गया। हाँ वो देखा था यार अभी। क्या देखो क्या जगह बनाई है यार। ये क्या बनाया? क्या होगा ये देखो यार, जैसे कपड़े से बना के लगाए गए हैं, जैसे डिजाइनिंग खुद की गई है। लेकिन ये है नेचुरल है। ऊपर से देखें ये आवाज कहाँ से आई। ये आवाज किसकी थी? आपके सामने ये आवाज कैसी आई है?
आगे आओ। दिखाएं। हाँ, ये आवाज आई। ये आवाज आई है किसी की। बाहर कोई है तो नहीं? बाहर कोई नहीं है, बाहर भी कोई नहीं है। ये चला नहीं जा रहा यहाँ पर। ओ, 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 सामने खिड़की में, खिड़की में रिकॉर्ड करो सामने। शफकत आप रिकॉर्ड करो सामने, खिड़की में कोई चीज खड़ी है। ध्यान से यार। यार वहां पे तो कोई भी नहीं है यार। यार वहां पे खड़ा कोई, हम उस कमरे में नहीं गए, उधर आओ। ओ, ओ। क्या हुआ है? चलने से इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ कुछ हो ना जाए, भागा नहीं जाना। इधर से, इधर से, इधर से। चलाओ आगे। वो खिड़की में यार कुछ देखा है हसन? ऊपर ध्यान से यार। नाज़रीन लोकेशन काफी बड़ी है यहाँ पे। ओ, 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 ये देखो, हिला दरवाजा यार। कौन है अंदर? कोई है यार, इधर कुछ भी हो सकता है। ऊपर आओ, एक कैमरा में ऊपर है। अंदर से आवाज आ रही है। किसकी? अंदर से आवाज आई है किसी चीज। किसकी? अंदर से आवाज आई है किसी चीज। देखिए हमें रास्ता दें अंदर आने के लिए। आवाज सुनो। बिस्तरा, 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 बिस्तरा पड़ा हुआ, अंदर बिस्तर है किसी चीज का, और मिट्टी से बुरा हाल हुआ उसका। हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा। जल्दी 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 रिकॉर्ड करना। अंदर चलो। कौन है? यार ये हिला था ऐसे भाई। और आप ये सोचो यार, इस खिड़की के पास हमने देखा है, लोगों ने इतनी दूर से नजर आया यार, अभी दरवाजा भी हिला है। यहाँ से राहगीरों को कोई औरत नजर आती है इस जगह से, इस खिड़की से। अब वो क्या है, वो क्या औरत है, यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। सूरत आपको नजर आ अल्लाह अकबर। नाज़रीन आप देख सकते हैं, हमारे अलावा कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं है। तो ऊपर आने से पहले भी दरवाज़ा हिला है, जब हम अंदर आ चुके हैं उसके बाद भी ये दरवाज़ा हिला है। और असद का कहना है कि खिड़की के पास मैंने कुछ देखा है यहाँ पे। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, वो कमरे की हालत। अल्लाह अकबर। देखिए आप जो भी हैं सामने आए। लोगों ने कहा कि इस जगह पर, इस खिड़की पर कौन होता है, वो तो हम इस जगह पर मौजूद हैं। टाइम भी वही है, रात का पहर है, वही है, 1:30 का टाइम है। और अब तक
हमारे सामने अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही हैं, और पत्थरों का गिरना, किसी चीज़ का हवा में उड़ना, ये हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमें वो औरत नहीं नज़र आई, वो साया अभी तक हमें नहीं नज़र आया। दूर से मैंने देखा यहाँ पे कोई चीज़ थी, कोई एक आधा तो आंसर हमें मिले ताकि हमें पता चले ये जगह क्यों बंद की हुई है इस जगह को। अभी आपके सामने ये दरवाज़ा है जो ये मूव हुआ है खुद ब खुद, इसका भी कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा। अब ये यहाँ पर रुक गया, पहले ये खुद ब खुद आगे को आ रहा था, ये भी नहीं समझ आई बात। नीचे भी कमरा है, चले चले। अल्लाह अकबर यार, बड़े ध्यान से यार, यहाँ तो कुछ हो सकता है यार। अभी ना देखना आपको, ओ अल्लाह अकबर, ऊपर से आवाज आई यार, फिर आई आवाज, ऊपर से ही आए हम। कौन है? ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। अंदर है यार कुछ? किधर? अंदर आवाज ऊपर से आई है यार, अंदर कुछ है ऐसा तो ही हो। तो नाजरीन आप देख सकते हैं ये कमरा नीचे है, तो हालत देखें इसकी। आगे लाइट लाना, लाइट आगे चलो। खराब है इतनी है यार। आगे से ओए ये तो बहुत ही पुरानी पिक्चर है यार, किसी फैमिली की पड़ी है, पर बहुत पुरानी है, पुरानी पिक्चर है। ये ऐसा भाई ये दिखाओ यार, ये जाले देखो यार, संदूक में पड़ी है, ओए ऊपर पड़ी टूट गई है, कैसे टूटी है ये देखो यार। ओए ये गिरा यार, उठाओ इसको। ये देखें क्या है इधर, बहुत उधर देखें। अल्लाह अकबर, ये क्या है? वो देखो ये फिर कांच टूटा यार। ओए वो देखिए कोई यार, ये बोतलें पड़ी हैं खाली। हाँ कुछ चीज तो नहीं है बंद? ओए यार ये बोतलें यार, कुछ भी हो सकता है। असद तुमने सही बोला यार, ऐसा ना ही शक्कर
बंद कमरा। और ये देखो जरा, यहाँ पर कुछ कलमात की चादरें मौजूद हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ वो जो जादू वगैरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं वो भी हैं, और उसके बाद वो बोतलें वहां पे पड़ी हुई हैं। ये देखो यार, दरवाजा हिला शफ़क, ध्यान से यार, वो तुम सही बोल रहे हो सर, ये बोतलें उसमें मुझे लगता है कि जिन्नात वगैरह जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कैद करते हैं। मुझे कुछ ये फील आ रहा है यहाँ पर कि इसमें कोई चीज़ें मौजूद हैं जिनको कैद किया गया है। वो लग रहा है जिस तरीके से उसको रखा गया उन बोतलों को, और यहाँ पर ये तस्वीरें पड़ी हैं कुछ, और अजीबोगरीब सामान भी है। इसके बिहाफ पे मैं ये बात कर रहा हूँ। ये क्या था यार? वो थैली देखो नीचे, लाल कलर की गुथली टाइप है। इसको हाथ नहीं लगाना यार, हाथ ना लगाना, वही मैं भी कहने लगा था। ये देख लें आप कि ये कैलेंडर जो है 2013 का है, और इस कैलेंडर के मुताबिक ये आप कह सकते हैं ये जो कमरा था ये किसी बुजुर्ग का था, जो यहाँ पर कोई चिल्लाकशी होती होगी, कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर करते होंगे। अब ये आप कह लें उर्सुम बालिक दाता गंज बख्श का है, 2013 3 जनवरी को ये है तारीख, ऊपर लिखी हुई है, तो आज की डेट के मुताबिक 7 और 8 साल पुराना ये है। लोगों के मुताबिक जो लोगों ने कहा कि 8 साल पुराना ये जो है घर है, ये फैक्ट्री बंद है 8 साल से, कोई भी नहीं आया, हम आए, उसके बाद मामला तो आप देख लो। ये क्या हुआ? ओ हिला यार फिर। ओए मुझे लग रहा है यार इसको भी छेड़ना आता, ये वही है जो हमारे बुजुर्ग ने बताया था, ये वही चीज है। बोतल के अंदर पानी है सादा, और पानी के अंदर आपको पता है कि वो इसको मत छेड़ना यार। यार अगर इसको हम तोड़ें तो क्या हाल होगा यार? ऐसा भाई ध्यान से, बस इसको जरा खोलो, तू खोल जरा। इसके अंदर कोई वाइट वाइट चीज है शबका, जरा ये रिकॉर्ड कर, बात देख ले खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। दिल घबरा रहा है यार मेरा। हो सकता है यार इसमें कुछ हो, खोले हैं सर, जिसकी वजह से ये जगह सील है। शुभाष रहने दे, शुभाष बाहर रहने दे, शुभाष नहीं। ओ 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 Ugh.
बाद शुभाष, उसकी आंखें उल्टी होगी। शुभाष, 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 बोतल नहीं खोलनी थी।